ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली के शाहीन बाग से, जामिया इलाके में जो शाहीन बाग है, जहां पर लगातार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उन प्रदर्शनकारियों को हटाने की तैयारी अब की जा रही है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको ये भी बता दें, ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, आज हाईकोर्ट ने ये पूरा फैसला दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ा था, क्या अपडेट आपके पास? शोभना, दिल्ली पुलिस के अलग अलग सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट का ऑर्डर दिल्ली पुलिस को मिल गया है और दिल्ली पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। इस कवायद के शुरू जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, वहां पर जो उनके नेता हैं, उनसे पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और उन लोगों से बातचीत जारी है कि किसी तरह से ये धरना खत्म कर दिया जाए और आप लोगों को अपनी जो भी मांग करनी है वो केंद्र सरकार से करें। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक शांतिपूर्ण धरना जो है ये खत्म कराने की कवायद की जा रही है। शोभना, ओम प्रकाश आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि लगभग 10 लाख के करीब लोग इस शाहीन बाग के धरने प्रदर्शन के चलते परेशानी में है, डीएनडी पर लंबा लंबा जाम लग रहा है, तो इसके लिए दिल्ली पुलिस क्या जोर जबरदस्ती भी कर सकती है अगर ये प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटते हैं तो? देखिए, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि उचित रास्ता अपनाकर वहां से जाम खत्म कराया जाए और उसके लिए सभी एजेंसियों को आदेश दिए गए हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस उसमें से एक मुख्य एजेंसी है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर वहां पहुंच चुके हैं और जो वहां पर जो इनके नेता हैं उन लोगों से शांतिपूर्वक बात की जा रही है। उनको समझाया जा रहा है कि चूंकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है और कोर्ट के आदेश को हर हालत में फॉलो करना होगा, लिहाजा वो लोग अपना धरना प्रदर्शन छोड़ दें और सड़क खाली कर दें, उन्हें प्रदर्शन करना है कहीं और जाएं। और अगर वो लोग इसको नहीं मानते हैं और तनाव की स्थिति आती है तो पुलिस हल्का बल प्रयोग भी भविष्य में कर सकती है। शोभना, जाहिर सी बात है ओम प्रकाश, दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना भी है और इसी के चलते दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी शाहीनबाग इलाके में पहुंचे हैं। वहां जो नेता हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए।